नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका बीएचयू कॉन्सेप्ट पर। मेरे साथ लंबे समय के बाद मैं आपका मैथ का मेंटर, उम्मीद है भूले नहीं होंगे आप। तो पिछली जब मैं आया था तब मैंने सिलेबस बताया था 30 नंबर के अकॉर्डिंग कि आपको क्या पैटर्न रखना है, लेकिन अभी जो आया उसका सिलेबस जो पैटर्न आया है उसमें क्या 15 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो ये अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है कि 15-30 में से 15 कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने सिलेबस भी कवर नहीं किया था, यानी ये अच्छा ही हुआ कि हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। अब हम पढ़ाई 15 नंबर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो यहाँ जो मैं बीएचयू कॉन्सेप्ट पर जो आपको मैथ पढ़ाऊंगा, देखिए जो हम पढ़ाई करेंगे उसके स्तर क्या रहने वाला, मैं एक बार आपको बता दूं। तो हम क्या करेंगे, जो एंट्रेंस पेपर बीएचयू का बीए आर्ट सोशल प्लस कोई भी जो मैथ का पार्ट जो पूछा जाता है बीएचयू में एंट्रेंस, उसके लिए जो सफिशियंट होगा वो इतना हम पढ़ेंगे। तो कई बार क्या आपको लग सकता है कि सर आपने हमें इतने कम स्तर का बता दिया, आपने हमें इतना ज़्यादा स्तर का बता दिया। हम वो लेवल लेकर चलेंगे जिससे आप अपना पेपर कर सकें, इसलिए हम एक एक या दो दो वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक बार आप समझ लिए आपको अपना काम हो जाए उतना काम करना है। फिर अगर आप सीखना चाहेंगे पूरा मैथ हमसे ठीक से, तो फिर हम फिर कॉन्सेप्ट पर एक मैथ का स्पेशल क्लास लेकर आएंगे। लेकिन अभी हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आज हम टॉपिक लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और इस टॉपिक से प्रश्न जो 15 नंबर का होगा उसमें से जरूर पूछा जाएगा, या आप नोट कर लीजिए इस बात को। और हो सकता है प्रश्न की संख्या 1 से 2 भी रह जाए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बिना एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लाभ के लिए क्या निकालना है, हानि के लिए क्या निकालना है, लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना है, बाकी सब एक भी फॉर्मूला आपको नहीं दिया जाएगा, इसकी हमारी गारंटी है, निश्चिंत रहिए। तो हम देखिए शुरुआत करते हैं किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहेंगे लाभ एवं हानि। तो देखिए टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होगा, लेकिन 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतना है कि अब ये बीएचयू के एंट्रेंस में आपके लिए आ गया है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्या होगा, आप ये समझिए कि क्या है जो क्वेश्चन आपको पूछना चाहता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या होता है, 3-4 चीज़ें हैं आप इस टॉपिक की जो आपको समझना है। एक है कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में भी बायलिंगुअल चलेगा अपना चैप्टर, पर मैं लिखूंगा हिंदी में और मैं बोलूंगा दोनों में बायलिंगुअल। तो देखिए पहली टर्म है आपकी क्रय मूल्य, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा अपना विक्रय मूल्य, जिसे आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। एक आपका होता है लाभ, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट। एक होता है लॉस, जिसे आप कहते हैं हानि, ठीक। ये पहले हम इन चार शब्दों को समझेंगे। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है आप जानते होंगे, फिर भी मैं बेसिक की शुरुआत कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। देखिए क्रय मूल्य यानी किस चीज़ को आपने कितने पैसों में खरीदा। जनरली व्यापार होता है तो कोई व्यापारी किसी चीज़ को पहले खरीदता है, किसी एक जो रेट होती है उस पर खरीदता है, या कोई उसका मूल्य होता है उस पर खरीदता है, वो क्रय मूल्य हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ले लीजिए कि आपने अपने लिए पेन खरीदे 2 या 1 10 रुपये का, तो आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी आप खरीदी चीज़ अपनी को या कोई भी आपकी वस्तु है जिसके लिए आपने पैसा का भुगतान किया है, अब आप उसको किसी को बेचना चाहते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, उसको बेच देते हो, तो उसे अपन कहेंगे जिस प्राइस पे आपने बेचा उसको क्या बोलेंगे अपन, विक्रय मूल्य। जैसे आप पेन लाए 10 का, आपने 15 में बेच दिया, 5 में बेच दिया, जो आपकी इच्छा है वो क्या किया आपने, बेच दिया, वो क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए जब आपने बेचा है किसी चीज़ को तो 2 चीज़ें आपके साथ हो सकती है, 3 हो सकती है बेसिकली। या तो आपको लाभ हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने ज़्यादा में बेचा है, अगर आपने कम में बेचा अपने कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, और बराबर में बेचा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना, बराबर की स्थिति रहेगी। ये तो हो गई आपकी टर्म्स, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। अब देखिए मैं पहले अब आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल क्या है, देखिए कोई वस्तु है, आपने वस्तु जैसे आप ले लीजिए एक कंबल ले लीजिए, ठीक है। ये कंबल आपने कितने में खरीदा, ठीक है, 1000। 1000 को आपने क्या कर दिया, दुकान से खरीद लिया, कहीं से भी खरीद लिया। अब जो आपने खरीदा 1000, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और मैं उसको शॉर्टकट में बोलूँगा सीपी। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि इसको कहेंगे सीपी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सीपी, समझ गए। अब आपने क्या किया, इस कंबल को क्या किया, सेल कर दिया, कितने में, मान लीजिए आपने इसको 1100 में कर दिया सेल, ठीक। ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस।
देखिए यही वीडियो है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये समझ लिए तो पूरा चैप्टर सोल्व हो गया। बच्चे क्या करते हैं या जो कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं क्या करते हैं, इस बस रट लेते हैं कि ये दे रखा है, ये कैसे निकालना है, ये क्या निकालना है, पर वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, हो जाती है समस्या, कोई बात नहीं। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1100। अब आपने किसी चीज़ को 1000 में लेके 1100 में बेच दिया, आपको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक। प्रॉफिट कितने का हो, मैं आपसे पूछूं कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आपका होगी सर आराम से 100 रुपये का मैं प्रॉफिट हुआ, ठीक। ऐसे मैं बोल दूँ आपको कि मान लीजिए मैंने कोई किसी चीज़ का, यहीं से मैं आपको पूछता हूँ, किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइज है कितना आपका, 1200, तो उसका और उसका सेलिंग प्राइस है 1400, तो उसका कॉस्ट प्राइस, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेगा सर 200। तो यहाँ से एक बात आपको क्या सीखने को मिली, हम जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे करते हैं, जिस प्राइस पर हमने उस चीज़ को ख़रीदा, हमने किस पे ख़रीदा कंबल को 1000 रुपये, तो हमने प्रॉफिट का किस पे अंदाज़ा लगाया, 1000 रुपये, या तभी तो 1100 बताया ना आपने। तब अगर आपने जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर सेलिंग प्राइस पे किया होता तो आप मुझे कैसे बता दें कि 100 आएगा, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर आप सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेशन करते हैं मतलब आप अपने प्रॉफिट का अंदाज इस पे थोड़ी लगाएंगे कि आपने 1100 में बेच दिया उसको, आपने कितने में ख़रीदा कितने में बेचा, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ से आप एक बात सुन लीजिए क्या, कि हमेशा प्रॉफिट ऐसे ही लॉस, जैसे मान लीजिए 1100 में ना खरीद के कितने में बेच देते, 900 में, तो कितने का लॉस हो जाता, 100 का। तो यहाँ से एक बात नोट कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आगे तक काम आएगी, कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पे की जाती है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जिस पर आपने अपने वस्तु को खरीदा है, ठीक है। पहली बात क्लियर, ये 4 टर्म आप समझ गए होंगे। अब एक दो टर्म और हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए प्रॉफिट और लॉस क्या है, आपका जो परसेंटेज जो टॉपिक है उसी में एडवेंचर हो गया, ठीक है ना, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। काम परसेंटेज ही है पर थोड़ा स्पेशल बना के प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग से दे दिया, ठीक। अब देखिए अगला जो टर्म है वो है आपका मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य, हिंदी में कहेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे MP, ठीक है। इसको SP, इसको CP, ठीक है, इसको प्रॉफिट, इसको लॉस, ठीक है, समझ रहे हैं। अंकित मूल्य, देखिए कई बार क्या होता है आप मॉल वॉल में जाते होंगे शॉपिंग करने, तो वहाँ क्या दिया जाता है, आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो कई बार क्या उसमें व्यापारी क्या करता है, उसका जो एक पहले से वो फिक्स प्राइस रख लेता है, कैसे, जैसे मान लीजिए कोई जींस है, उसको उसने कह दिया कि ये एक पैर है जो जींस का, या एक जींस है उसका कॉस्ट प्राइस उसका आपको मूल्य मिलेगा 1000 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन के लिए अभी 1000 लेकर चल रहे हैं, यानी 1000 रुपये वो क्या कहेगा कि अगर इसका उस पर मार्क कर रखा उसने कितना, 1000 का लेबल लगा देता है, आपने देखा होगा, तो ये क्या होगा इसका मार्क प्राइस। अब क्या होता है, उसने क्या कहता है कि सर मैं इस पर आपको डिस्काउंट देता हूँ। अब वो डिस्काउंट कितना दे सकता है आपको, 10%, 20%, मान लीजिए उसने कितना परसेंटेज डिस्काउंट दे रखा आपको, 10%, तो 10% डिस्काउंट किस पे दिया उसने, मार्क प्राइस पे, तो यानी अब वो आपको कितने की बेचेगा, 900 की, ठीक है। मैंने परसेंटेज निकालना सीखा तब बताया था कि यहाँ एक पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा आपका, 10%, तो 1000 में से 10% का डिस्काउंट कर दिया तो कितना बचा, 900, यानी ये आपके लिए कितने का पड़ा वस्तु, 900 रुपये का, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना इतनी बात। मार्क प्राइस क्या होता है, तो ये मार्क प्राइस लगाया क्यों जाता है ये समझिए आप। दुकानदार क्या होता है, अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या करता है कि कोई भी वस्तु होता है पहले उसका दाम उसके कॉस्ट प्राइस से आगे बढ़ा के रख देता है। अब जब ग्राहक आता है तो उसको कह देता है कि मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, ग्राहक सोचता है कि यार मुझे तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है इस दुकान पर, मुझे तो यहीं से खरीदना चाहिए। तो ये आपका अंकित मूल्य, क्रम मूल्य, इन सब का कॉन्सेप्ट बेसिक हो गया। अब देखिए कई बार, अब एग्जाम में इतना सिंपल थोड़ी पूछा जाएगा आपसे, देखिए एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। अब ये आपका बेसिक तैयार है, आपकी बेसिक पूरी तरह तैयार है, अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल ये है कि किसी वस्तु का उम्मीद दिख रहा होगा आपको, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये हो तो 15% लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचना होगा, कितने में बेचना होगा,
तो देखिए जो आपको दिया हुआ ना, एक बार आप अपनी सुविधा के लिए काम कीजिए, यहाँ लिख लीजिए ठीक। आपको दिया हुआ है 100, यह क्या है आपका कॉस्ट प्राइस ठीक है। अब आपको प्रॉफिट कितना लेना है 15%, सिंपल सा है, इसका 15% लेना है। तो 15% निकालिए, इसका कितना होगा 100, 15/100, इसका जो आप निकालोगे कितना है 15 तो आपको प्रॉफिट लेना है, और प्रॉफिट लेने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस में जोड़ना पड़ेगा। तो आपको सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होता है आपका CP प्लस प्रॉफिट या लॉस जो हुआ आपको। तो ये 15 हुआ है, तो कितना हुआ है 100 प्लस 15। अब देखिए इतना दो स्टेप में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक स्टेप में कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे आपको कहा, बता दिया ना कितना हुआ, देखिए 100 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, और हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है। ये भी आप अपने बुक में लिख लीजिए, जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है आपका 100%। तो 100% है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ठीक। अब आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, देखिए बेचना यानी सेलिंग करना, अपन को 15% जोड़ना, यानी किसी चीज को 100% उसको कितने बेचना है 115% में, यानी आपको कितना निकालना है 115%, 100% दिया हुआ आपको 115% निकालना है। तो जो अपने को दिया होता है कितना दिया हुआ 100, तो 100 का 100 में भाग दे देंगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा, 1 को 115 से गुणा करेंगे तो पूरा का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे आप तो कितना आया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल ठीक, 100 से 100 कैंसिल, 115 रुपये अपना आंसर आ गया, समझे। आपको ऐसा नहीं करना कि पहले 100 का 15% निकाले फिर उसमें जोड़ना है, आप हमेशा ये समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो 100% यानी 100 है, तो 1% यानी 115% यानी 115, समझ गए होंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देगा वो, देखिए क्वेश्चन एक ही रहेगा और उसको हम कैसे चेंज करते रहते हैं। देखिए मान लीजिए आपको यहां दे देता किसी वस्तु को मान लीजिए 500 रुपए में बेचा गया। अब यहां बेचने का काम हो रहा है आपको, कोई वस्तु है 500 रुपए में बेचा गया ठीक, 500 रुपए में बेचा गया। अगर वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो बताइए कि आपने वस्तु को कितने में खरीदा था, यानी उसका क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए आपको क्या निकालना है, मैंने कहा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो आपको दिया उसको लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 500 और आपको दिया हुआ प्रॉफिट 10%। अब आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, सेलिंग प्राइस कितना आपका 500, 10% आपको क्या हुआ है लाभ, तो कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है, 100% में 10% जोड़ेगा यानी 110% का आपका क्या हुआ सेलिंग प्राइस ठीक। आपको निकालना कितना है 100%, यानी आपको ये 500 जो कितना वो 110% दिया हुआ है, आपको कितना निकालना है 100%। तो इसको सोल्व कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब आपको पता है 100 होता है, तो 100 यहाँ होगा 100 यहाँ होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और एक काम यहाँ कर लीजिए, ये होगा इससे कैंसिल, और कितना बचा आपका यहाँ 500 बटा, एक मिनट रुको, सिंपल सोल्व करो, 5000 बटा 11। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके रुपये में आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ठीक है। अब हम लेते हैं अगला एग्जांपल। अब देखिए यहाँ मान लीजिए लॉस दिया होता आपको, मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने पर आपको 10% का लॉस हुआ, 10% हुआ ठीक। अब देखिए किसी वस्तु को आप 100% में खरीदते हो, उसको 10% का लॉस हुआ, मतलब 90% में आपको उसे क्या बेच कर दिया, सेल कर दिया भाई, मतलब तो यही हुआ ना 10% लाभ में कमाया, यानी आपने 100% की वस्तु को 110% में बेच दिया, नुकसान हो गया, मतलब 10% आपने 90% में बेच दिया, यानी अब यहाँ आपका कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। आपको निकालना कितना है 100%, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ 5000 बटा 9, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ठीक है।
तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए एक मार्क प्राइस पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कैसे मार्क प्राइस पर कैसे क्वेश्चन है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 1000 रुपये, ठीक है। एक दुकानदार वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देकर, छूट देकर 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों बताइए, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लिखते हैं मार्क प्राइस दिया हुआ आपको, लिख लीजिए कितना है 1000 रुपये, ठीक। अब देखिए मार्क प्राइस आपका कितना है 1000 रुपये, आपने क्या किया इस पर 20% डिस्काउंट दे दिया। इसका 20% डिस्काउंट देंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ सेलिंग प्राइस, यानी ये 1000 जो है ये कितना आपका 100% है। 100 मत समझिए आप, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, 1000 का 20% पहले निकालिए कितना होगा 200 रुपये, भाई ये 10% इसका दुगुना 20 यानी 200 यानी 800 रुपये इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, पहला आपका सेलिंग प्राइस का आंसर आ गया, ठीक। और डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, कैसे बस कोई भी चीज़ हमें दी होती है वो क्या होती है आपका 100% होती है हमेशा। पहले बार जो यहाँ दी हुई है वो कितना हो गया 100 यानी ये है तो 80 यानी कितना हुआ 80, हाँ 20% छूट देने के बाद यानी 80% में बेचा ना, कितने में हुआ, नहीं ये तो इससे थोड़ी कटेगा, ये इससे कटा, ठीक है ये इससे कटा, यानी 800 रुपये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ आपको यहाँ 10%, ठीक 10% यानी 800 है, ठीक। अब 800 यानी 10% मतलब 110, क्योंकि 100% की वस्तु का आपने कितने बेच दिया 110 में, तो ये कितना हो गया आपका 110, आपको निकालना कितना 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसको सोल्व कर लेना जो भी हो वो आपका आंसर आ जाएगा रुपए में आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम में आपका जो डेटा आएगा बहुत सरल आएगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी बना के अर्जेंट में या साथ के साथ जो दिए हैं उसकी वजह से वैल्यू ऐसी आ रही है, एग्जाम में वैल्यू बहुत आपको सीधा मिलेगा। हो सकता है या 8 ही आ जाए 9 आ जाए जिससे ये वैल्यू कट जाएगी, और नहीं भी आए तो आपको इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों पूछ लिया गया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या होता है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक वस्तु को ₹250 में बेचने में 25% का लाभ होता है, ठीक, तो उसे कितने में बेचा जाए जाएगी 20% हानि हो, ठीक है। आपको देखो क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ठीक है 250, ठीक है। प्रॉफिट कितने का आ रहा है 25% का, और आपको पूछ रहा है कि उसे कितने में बेचा जाइए, यानी दूसरा सेलिंग प्राइस सेकेंड पूछ रहा है कब, तब उसको 20% में बेचा जाए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अब वो करना होगा सबसे पहले कॉस्ट प्राइस इससे निकालना होगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए ये 250 है यानी 125%, यानी कोई वस्तु 100 की थी उसको जब 125% में सेल किए ना तब ये प्रॉफिट हुआ, यानी 125 अपने को दिया हुआ है, अपने को कितना निकालना है 100, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए 25 से कट जाएगा, 25 × 125 और ये हो जाएगा 25 × 100, ये 2 यानी 200 रुपये उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस होगा।
अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि क्या वास्तव में 200 का 25% 250 होता है क्या। तो देखिए देखिए एक बार कैलकुलेशन में चेक लेता हूँ, सही है ठीक है ना। देखिए 200 का क्या वास्तव में 25% 250 होता है क्या, तो इसका 200 का 1/4 कितना होगा, 50 होगा ना भाई, 25% यानी 1/4, इसका 1/4 50 हुआ, यानी 250 में बेच रहे तो कितना हो रहा अपने को 25% का भाग। अब ये कह रहा है कि इस 200 रुपये की वस्तु को 20% हानि के साथ बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% हानि यानी 80 में, ये मान लीजिए बस 100 हो गया, और ये हमेशा क्या होगा 20% हानि के साथ बेचना है ना, तो क्या हो जाएगा 80 से इसको करना होगा सोल, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी 160 में उसको क्या करना होगा, आपको सेल करना होगा। एक बात समझ लीजिए, कुछ को कन्फ्यूजन यहाँ हो रही कि कभी सर 100 यहाँ लिख देते, कभी 80 यहाँ लिख देते, कभी 100 ऊपर, कभी 125 नीचे। देखिए मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, तो हमें 100 यहाँ निकाल लिख दिया। देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी आपका प्लस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लॉस। मेरा कॉस्ट प्राइस होता है 100%, प्रॉफिट आपको दिया 25%, कितना हो गया आपका 125% हो गया ना। अब मान लीजिए कोई वस्तु है 250 रुपये की है, उसका 125% 250 है, कोई वस्तु है जिसका 125% 250 है, उसका 100% कितना होगा, 100% यानी कॉस्ट प्राइस। तो हमने इसको यहाँ क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये हमारे पास क्या हो गया कॉस्ट प्राइस आ गया 200। अब कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 100% यानी 100 200 है, तो 80 कितना होगा, 80 क्यों लिए, क्योंकि मैंने कहा सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। अब मान लीजिए माइनस का 20% आपको लॉस हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो आपको 80 निकालना होगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना कि सर 125 यहाँ कैसे, आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया अब तक कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये निकालिए, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि कॉस्ट प्राइस 100% और सेलिंग प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, समझ रहे कि नहीं, तो ठीक है ये आपका रहेगा। इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, अगले जो लास्ट इस टॉपिक का जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इससे संबंधित बहुत ही अच्छे सवाल लेंगे जिसमें आप कहीं नहीं रुकोगे, और आप इस टॉपिक के सवाल से कीजिए। देखिए ये ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख लिए या किसी बड़े से बड़े गणितज्ञ का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में तो आ जाएगा, पर आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तभी ये आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई क्वेरी हो तो आप भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, हम उत्सुक हैं कि आप भी उत्सुक रहिए, आप भेजिए, हम करने के लिए सवाल सॉल्व करने के लिए उत्सुक हैं। तो और अभी कोरोना का भी वो चल रहा है दशा, तो उसी में आप भी सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।